Hey guys, welcome back to my channel. Hope so you guys are doing really well. I know same outfit, same makeup, same jewelry, everything is same because मैं same day ही ये video shoot कर रही हूँ. तो आज की video में मैं आप लोगों के साथ share करूँगी कि foundation क्या होती है और आप अपना right shade कैसे buy कर सकती हैं. I know foundation के ऊपर भर भर के videos available हैं YouTube पर, लेकिन मेरी video थोड़ी सी lengthy हो सकती है. But जितनी ज़्यादा information मैं आपको provide कर सकती हूँ इस video में वो मैं आपको करूँगी, क्योंकि सबका अपना एक अलग point of view होता है अपना review देने का, तो मेरा एक अलग है. So if you are interested, let's begin. So first of all, let's talk about foundations because आज की video foundation के ऊपर ही होनी है, तो foundation के बारे में बात करेंगे. तो यहाँ पे मेरे पास कुछ foundations हैं, तो मैं आपको buy one बताते चली जाऊँगी. तो मेरे पास यहाँ पे तीन foundation है actually. इसमें से एक foundation मेरी skin से dark है, एक foundation जो कि exact मेरी ही skin tone का है, और दूसरा foundation जो है वो मेरी skin से light है. Now अपना करेक्ट शेड बाय करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपनी जॉ लाइन में लगाकर देखते हैं जबी भी, लाइक कभी भी हाथ पे या फिर कहीं पर भी लगाकर मत देखिएगा, हमेशा जॉ लाइन पर लगाकर देखिएगा. लेकिन मेरा जो तरीका है अपने फेस के शेड को लाइक मैच करने का, मैं हमेशा यहाँ टेस्ट करती हूँ ना कि यहाँ, क्योंकि मेरी जो नेक है वो मेरे फेस और मेरी बॉडी स्किन से लिटिल बिट डार्क है, और कुछ लोगों की डार्क नहीं भी होती है तो भी उनकी डार्क लगती है बिकॉज ऑफ यू नो शेडो की वजह से. एक शेडो की वजह से लगता है कि आपकी नेक डार्क है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पर शेड लगाकर देखिए. मैं भी आपको जूम करूँगी तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में आपको कैसे शेड मैच करना है. ये है मेकअप रेवोल्यूशन की फाउंडेशन जो कि मेरी स्किन से ऑलमोस्ट 2 से 3 शेड लाइट है, एंड यू कैन सी कि कितना ज़्यादा वाइट लग रहा है. तो दिस इज़ नॉट माय शेड. नाउ सेम उसके नीचे मैंने मिलाने का फाउंडेशन लिया है जो कि मेरी स्किन से 2 शेड डार्क है, और ऑक्सीडाइज होने के बाद 1 शेड और डार्क हो जाएगा, एंड दिस इज़ नॉट माई शेड. नाउ प्रीवियस वाले जो फाउंडेशन थे उन्हें मैंने रिमूव कर लिया है, और आप देख सकते हैं ये फाउंडेशन मेरी स्किन में कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया, यही मेरा शेड है. नाउ अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन के बारे में कि हमें फाउंडेशन को अप्लाई कैसे करना है. तो यहाँ पे 3 तरीके हैं फाउंडेशन को अप्लाई करने के. सबसे पहला तरीका है आपकी ये फिंगर डिप, यानी कि आप अपने फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं ब्लेंड. उसके बाद जो 2 तरीके और हैं वो है एक ब्रश और दूसरा है ब्यूटी ब्लेंडर. मैं दोनों से ही आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी. नाउ यहाँ पे दोनों टूल्स की जो कवरेज है वो डिफरेंट होती है. जो ब्रश वाली साइड है वो आपको ज़्यादा कवरेज देती है, लाइक फुल कवरेज देती है, और ब्यूटी ब्लेंडर आपको नेचुरल शेयर कवरेज प्रोवाइड करती है. नाउ अगर आपकी स्किन ड्राई है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप ब्यूटी ब्लेंडर के साथ जाइए. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ब्यूटी ब्लेंडर इज़ गुड फॉर ऑल स्किन टाइप. नो मैटर अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, जिस तरह की भी है, आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं. सो ये फाउंडेशन का शेड बिल्कुल एग्जैक्ट मेरी ही स्किन टोन का शेड है. मेरा शेड है 128 वार्म न्यूड. दिस इज़ अ मेबलिन फिट मी फाउंडेशन, और वैसे तो ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए अच्छा है, बट यू कैन यूज़ लाइक ड्राई स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं. नौ पहले मैंने प्रोडक्ट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिया है कबूकी फ्लैट कबूकी ब्रश. तो आपको याद रखना है कि आपको सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करना है, बहुत ज़्यादा हार्शली ब्लेंड नहीं करना है, अदरवाइज़ वो केकी होने लग जाएगा. और ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने के लिए मेक श्योर कि आपका ब्यूटी ब्लेंडर वेट होना चाहिए, डैम्प होना चाहिए. उसके बाद आपको जो राउंड एज है उससे ब्लेंड करना है, बाकी जो उसके इनर कॉर्नर्स के लिए मैं ऊपर वाली एज यूज़ करूँगी, एज यू कैन सी. तो ये है ब्रश वाली साइड, और एज यू कैन सी कि कितनी ज़्यादा इवन और स्मूथ लग रही है, और काफ़ी जल्दी भी हो गई है. ये ब्यूटी ब्लेंडर की साइड है, पर्सनली मुझे दोनों साइड बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, ज़बरदस्त है. लेट्स कवर सम पॉइंट्स क्विकली. तो सबसे पहला पॉइंट है फाउंडेशन कितने टाइप के होते हैं. 4 तरह के फाउंडेशन होते हैं. एक फाउंडेशन होते हैं लिक्विड फाउंडेशन जो कि मोस्टली हम सब यूज़ करते हैं. सेकेंड होते हैं स्टिक फाउंडेशन जो कि स्टिक फॉर्म में होते हैं, कुछ इस तरीके से. ये मेकअप रेवोल्यूशन की फास्ट वे स्टिक है. तीसरे पाउडर फाउंडेशन होते हैं जो कि मेरे पास इस टाइम पे 2 अवेलेबल है. ये है मेबलिन का फिट मी पाउडर फाउंडेशन, और ये है नायका की गेट सेट क्लिक क्रीम टू पाउडर कॉम्पैक्ट, लाइक जो कि पाउडर फॉर्म में होते हैं वो फाउंडेशन. तो ये हो गए तीसरे. नाउ फोर्थ होते हैं क्रीम फाउंडेशन जो कि मोस्टली इसमें आती है हमारी बीबी क्रीम और सीसी क्रीम. तो ये 4 तरीके के फाउंडेशन होते हैं मार्केट में जो कि अवेलेबल होते हैं, बाकी के जो भी फाउंडेशन है वो इसके अंदर आते हैं. नाउ अभी तो बहुत सारे लोगों के कॉमेंट्स मैं देखती हूँ जो कि होते हैं, वो ये होते हैं कि हमें हमारा जो स्किन शेड नहीं मिलता, या फिर हमें हमारा चेहरा बहुत ज़्यादा काला हो जाता है थोड़ी देर के बाद. ये बहुत सारी प्रॉब्लम सबको आ जाती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिथ है आप लोगों का जो मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये कि फाउंडेशन आपको गोरा बनाता है. व्हाट डू यू थिंक, आप कौन सी सेंचुरी में जी रहे हैं? लाइक फाउंडेशन गोरा क्यों बनाएगा और कैसे बना सकता है?
लाइक अगर आप ये सोचते हो कि आप एक से दो या तीन शेड लाइट बाय कर लोगे और आप अपने फेस पे लगा लोगे तो आपका फाउंडेशन आपको गोरा बनाएगा, लेकिन फाउंडेशन का पर्पस आपको गोरा करने का बिल्कुल नहीं है। फाउंडेशन आपकी स्किन को फ्लॉलेस बनाता है, जो कि आपके ब्लैमिशेस, एक्ने स्पॉट्स या फिर यू नो जो भी कोई भी लाइक पिगमेंटेशन आ जाती है फेस पे उसे हाइड करता है ना। आप खुद सोचिए, अगर आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लाइक डार्क या लाइट शेड फाउंडेशन यूज़ करेंगे तो आपको लगता है कि वो आपकी फेस की जितनी भी इम्परफेक्शन है उन्हें कवर करेगा? नहीं, बल्कि वो उन्हें और इन्हेंस करेगा। तो आप सबसे बड़ी बेबी गोफी तभी करती हैं जब आप अपने लिए बहुत ज़्यादा लाइट शेड का फाउंडेशन खरीद लेती हैं, और यही एक मेन मेजर रीज़न है फाउंडेशन काले होने का। जब आप ये सोचती हैं कि आप बहुत ज़्यादा लाइट फाउंडेशन खरीद लेंगी तो आप गोरी लगेंगी, तो लेट मी टेल यू गर्ल्स, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्रे और ऐशी लगने लगती है, क्योंकि आप खुद सोचिए आपके स्किन का कलर कुछ और है, आपके फेस का कलर कुछ और लगेगा, तो आप भूत लगोगे, और भूत तो लगोगे ही लगोगे, साथ में थोड़ी देर के बाद वो काला खुद ही हो जाएगा। तो क्या फ़ायदा लाइट फाउंडेशन खरीदने का, खुद सोचिए। तो प्लीज़ ये मिथ आप लोग तोड़िए और ये गोरा काला जो भी आपका चलता है वो भी ख़त्म करिए। जो आपकी स्किन टाइप है उसमें खुश रहना सीखिए। नो मैटर आप ब्लैक हैं, आप डार्क हैं, डस्की हैं, मीडियम हैं, कैसे भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी है, अल्लाह पाक ने आपको जैसे भी बनाया है आपको अच्छा बनाया है। तो ये मिथ आप लोगों का क्लियर रखना बहुत ज़रूरी था। ओके, नाउ आप में से बहुत सारे लोगों को अपने फाउंडेशन शेड इसलिए नहीं मिलते क्योंकि आपको अपनी अंडरटोन पता नहीं होती, आपको अपनी स्किन टाइप पता नहीं होती। अगर आपको अपनी अंडरटोन नहीं पता तो आप अपने लिए फाउंडेशन ढूंढ नहीं सकते। अगर आपको अपनी स्किन टाइप नहीं पता तो तब भी आप अपने लिए फाउंडेशन ढूंढ नहीं सकते। नाउ चार तरह की स्किन टाइप्स होती हैं, नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, ऑयली स्किन और ड्राई स्किन। ऑयली ड्राई का आपको पता होगा, कॉम्बिनेशन स्किन वो होती है जो कि लाइक टी जोन एरिया जिनका ऑयली होता है और आउटर साइड जो होती है वो ड्राई होती है, तो वो कॉम्बिनेशन स्किन होती है। आई थिंक मोस्ट डेंजरस स्किन वही होती है, मेरी नॉर्मल टू ऑयली है बिकॉज आई हैव एक्ने प्रोन स्किन। तो या ये तो होगा स्किन टाइप। तो आपको अपना स्किन टाइप पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फाउंडेशन का शेड बाय करने के लिए। सेकेंडली अंडरटोन। नाउ अंडरटोन तीन होती हैं, वार्म अंडरटोन जो कि येलो हिंट में होती हैं, और न्यूट्रल अंडरटोन होती हैं जो कि दोनों का हिंट होता है जिसमें लाइक जो दोनों जाती हैं, और कूल अंडरटोन जो कि पिंक लाइक जिनमें पिंक हिंट होता है। तो जो मोस्टली इंडियन गर्ल्स होती हैं वो वार्म अंडरटोन की होती है क्योंकि उनमें येलो हिंट होता है, और जो अमेरिकन स्किन टाइप होती है जैसे लाइक निकी ट्यूटोरियल्स, जैकलिन हिल, ये सबकी जो अंडरटोन है वो पिंक पिंक लगती है ना। सबसे अच्छा तरीका ये है, अगर आपको जानना है आपके अंडरटोन क्या है, चेक योर वी। अगर आपकी वीन्स ग्रीन है, लाइक अगर आपकी नसें हरी हैं, इट मीन्स आप वार्म अंडरटोन के हो। अगर आपकी जो लाइक आपकी वीन्स हैं अगर वो पिंक, पर्पल या ब्लू, इन तीनों में से किसी एक कलर की भी है, इसका मतलब ये हुआ कि आप कूल अंडरटोन के हो। और अगर आपकी ग्रीन भी है, ब्लू भी है या फिर पर्पल है, मिक्स हैं दोनों, इट मीन्स आप न्यूट्रल अंडरटोन के हो। तो न्यूट्रल अंडरटोन के लिए तो इन तीनों ही अंडरटोन को ध्यान में रख के फाउंडेशन मार्केट में अवेलेबल कराए जाते हैं। तो वहाँ जब भी आप फाउंडेशन सेलेक्ट करने के लिए जब उनसे पूछिएगा कि इसके अंडरटोन क्या है, अगर आपकी अंडरटोन वॉर्म है, लाइक मेरी वॉर्म अंडरटोन है और मैं येलो अंडरटोन में हूँ, तो जो फाउंडेशन मैंने यूज़ किया है आज वो है मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन जो कि अभी मुझे मिल नहीं रहा है, तो वो मेरा शेड ऑफ अंडरटोन वॉर्म न्यूड, तो वो येलो हिंट में है तो वो मुझे सूट करता है। ओके, तो ये था फाउंडेशन को बाय करने का सबसे अच्छा तरीका, और हमेशा शॉप पे जाके खरीदें मैं आपको रिकमेंड करूँ, क्योंकि ऑनलाइन बहुत चांसेस रहते हैं गलत शेड बाय करने के। मैं भी बहुत बार कर लेती हूँ ये बेवकूफ़ी, तो प्लीज़ आप मत करिएगा क्योंकि मेरा ये काम है करना। तो अगर मैं वर्क कर सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरे पास और भी फाउंडेशन है जिन्हें मैं मिक्स एंड मैच करके लगा सकती हूँ। ओके, लेकिन आप काउंटर पर जाएँ, और बाकी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको कैसे ट्राई करना चाहिए अपने फाउंडेशन को प्रीवियस वाली क्लिप में। नाउ आप में से बहुत सारे लोगों को और भी बहुत सारी कन्फ्यूजन है जैसे कि कवरेज के बारे में और फिनिश के बारे में, तो मैं आपको बता देती हूँ कौन सी फाउंडेशन कौन सी स्किन के लिए अच्छी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नाउ तीन तरीके की कवरेज है, मीडियम कवरेज, शेयर कवरेज और फुल कवरेज। शेयर कवरेज वो होती है जो कि बहुत नेचुरल कवरेज होती है, मीडियम कवरेज वो होती है जो आपको इन बिटवीन कवरेज देती है फुल और शेयर की, और फुल और हाई कवरेज वो होती है जो कि आउट ऑफ यू नो लेवल होती है, लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होती है काइंड ऑफ, जैसे हुदा ब्यूटी फोर फिल्टर फाउंडेशन, मेबेलिन की सुपर स्टे फाउंडेशन आपको देती है, इस टाइप की वो होती है फुल कवरेज। नाउ फिनिश होती है दो तरह की, एक डुई फिनिश होती है और एक होती है मैट फिनिश। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप मैट फाउंडेशन यूज करिए जैसे कि मेबेलिन की सुपर स्टे फाउंडेशन, और अगर आपकी स्किन है लाइक ड्राई है तो आप डुई फाउंडेशन यूज करिए जैसे कि मिलानी की कंसील एंड प्लस परफेक्ट फाउंडेशन, और ये है मेकअप रेवोल्यूशन की फास्ट वे स्टिक, इस टाइप के
जिनकी डूई फिनिश हो, क्योंकि आपकी स्किन पहले से इतनी रूखी सूखी है, उसमें जान डाली है यार, उसमें थोड़ी सी यू नो लगना है कि हाँ यार फाउंडेशन लगाया है, तो आप थोड़ा डूई फाउंडेशन लगा चाहिए। और अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो आप अपने अकॉर्डिंग मार्केट में इतने ढेर सारे फाउंडेशन है उसमें से चूज कर सकती हैं। नाउ ये थी मेरी वीडियो फाउंडेशन के ऊपर कि आप अपने लिए फाउंडेशन कैसे ट्राई कर सकती हैं। एंड गाइस जो भी अल्लाह ने आपको दिया है उसमें यकीन रखें, जैसी आप हैं अपने आप से मोहब्बत करें, ये मत करें कि मुझे वाइट फाउंडेशन चाहिए, मुझे ग्रीन फाउंडेशन चाहिए, लाइक मुझे ऐसा वैसा फाउंडेशन चाहिए, डोंट डू दैट। क्योंकि आप जो भी हैं, जैसी भी हैं, आप बहुत अच्छी हैं, यू आर प्रेशियस, और आई थिंक आप जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। ओके, सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड इफ यू डिड smash the like button, also subscribe to my channel guys, it's really important, okay, go and check it in. So I'll meet you in my next video, till then bye bye, as usual, take care guys, stay blessed.